पढ़ेंगे स्टडी का टॉपिक धारवाड सुपर ग्रुप। धारवाड सुपर ग्रुप को हम बेसमेंट से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे कि इसका नॉर्मली किसने क्या बताया शुरू से एकदम से। हम आज धारवाड पढ़ना चाह रहे हैं। तो धारवाड सुपर ग्रुप के हम बारे जानते होंगे कि अपने यहाँ पे जो इंडिया में है 5 क्रोटॉन है, तो धारवाड भी एक क्रोटॉन में आता है जिसकी एज होती है आदित्य। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि धारवाड जो क्रोटॉन है उसकी स्ट्राइक क्या है। हम पहले स्ट्राइक देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर जियोलॉजी में कि स्ट्राइक क्या होती है और डीप क्या होती है ना। तो स्ट्राइक और डीप का बहुत महत्व होता है। अगर आप किसी फील्ड वर्क में जाते हैं या जहां माइंस में जाते हैं तो स्ट्राइक और डीप का बहुत महत्व होता है। किस डायरेक्शन में हमें मैग्नीज मिल रहा है, किस डायरेक्शन में कॉपर मिल रहा है, उस डायरेक्शन में अपन उसकी माइनिंग करते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि धारवाड सुपर ग्रुप की स्ट्राइक क्या है। तो हम लिख स्ट्राइक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्राइक तो भी लगी पर धारवाड सुपर ग्रुप अपने इंडिया में कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे है हम ये जानते हैं, ये भी देखेंगे। तो हमारा धारवाड सुपर ग्रुप जो है वो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में डेवलप्ड कहाँ पे हुआ है, तो डेवलप्ड हुआ है ये कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट एंड एडजोइन स्टेट, यानी आसपास का कुछ क्षेत्र है जो अन्य राज्यों से मिला हुआ है उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, एडजोइन स्टेट। अब फंडामेंटल रॉक क्या है इसकी, है ना, फंडामेंटली पूछते कि फंडामेंटल धारवाड़ ग्रुप, धारवाड़ से सुपर ग्रुप है, उसकी फंडामेंटल रॉक क्या है। तो फंडामेंटल रॉक हम देखेंगे, फंडामेंटल रॉक इसकी है, फंडामेंटल रॉक, फंडामेंटल रॉक मीसेस, मीसेस रॉक, मीसेस रॉक। ठीक है, अब इसका देख लिया हमने, हम किसी भी सुपर ग्रुप पढ़ने के बाद हम उसका लिथोलॉजी देखेंगे कि यहाँ पे मेनली क्या पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धारवाड़ सुपर ग्रुप है उसकी लिथोलॉजी, लिथोलॉजी में यहाँ पे अपने को मिलता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एंड नीस, और अल्प मात्रा में बहुत कम मात्रा में हमें यहाँ पे सिस्ट मिलता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि धारवाड सुपर ग्रुप के में हमने लिथोलॉजी देख लिया, फंडामेंटल रॉक देख लिया। अब यहाँ देखेंगे हम कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है सिस्टोस, सिस्टोस रॉक, रॉक बेड, और दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है आइसो लाइनर बेसमेंट क्या है, बेसमेंट कहाँ कहाँ है, कहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ है, कैसे इसके नीचे क्या है, इसके ऊपर क्या है, वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लो यहाँ पे सबसे नीचे जो यहाँ पे है, एक छोटे से डायग्राम के तहत बताना चाहूंगा, ये सबसे नीचे जो होती है ग्रूरनीस, ग्रूरनीस जो होती है सबसे नीचे जो इसका ये यहाँ पे सबसे पहले ग्रूरनीस पाई जाती है। ठीक है, ग्रूरनीस, नीस, जिसकी एज, एज भी पूछता है कि सबसे नीचे जो ग्रूरनीस पाई जाती है उसकी एज क्या है। तो इसकी जो एज है 3400 मिलियन ईयर्स। इसके बाद, इसके बाद जो है हमारे इसके जस्ट बाद आता है सार्गोसिस्ट, यहां पे सार्गोसिस्ट, सार्गोसिस्ट इसकी जो एज होती है, इसकी एज होती है 3300 मिलियन ईयर्स। इसके जस्ट ऊपर में आता है पेलिसोनीस कॉम्प्लेक्स, एक छोटा सा आता है, किसी ने आइडेंटिफाई किया है किसी बुक पे, किसी बुक में आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, तो हम इसे आइडेंटिफाई करें तो एक, क्योंकि हमें पता है कि पेलिसोनीस कॉम्प्लेक्स भी आता है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहां पेलिसोनीस कॉम्प्लेक्स भी आता है। हर किसी में मेंशन, हर किसी बुक में मेंशन नहीं है, पेनिनसुलर ग्रेनाइटिक कॉम्प्लेक्स नहीं, पेनिनसुलर नीस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पेनिनसुलर कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी एज जो हो जाएगी इसके यहाँ पे 3
थाउजेंड मिलियन ईयर्स, तीन हजार मिलियन ईयर्स, ठीक है। अब ये बोलता है इसके जस्ट बाद जो है, इसके जस्ट बाद जो है अपने को धारवाड़ सुपर ग्रुप चालू हो जाता है, धारवाड़ सुपर ग्रुप, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं कि धारवाड़ सुपर ग्रुप और पैलेस वेनिस कॉम्प्लेक्स भी जो अनकंफर्मिटी, यहाँ जो अनकंफर्मिटी पाई जाती है, ठीक है, तो अनकंफर्मिटी ऐसी कि एक लंबे समय अंतराल बाद वहां निक्षेपण होगा, या एक निक्षेपण होने के बाद वहां लंबे समय तक कुछ नहीं होना और एकदम से निक्षेपण होना, अनकंफर्मिटी के बारे में आप लोग से भी जानते होंगे। तो यहाँ जो अनकंफर्मिटी होती है वो होती है एंगुलर अनकंफर्मिटी, एंगुलर अनकंफर्मिटी। तो मेनली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, धारवाड़ सुपर ग्रुप और पेंसिल नीस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो अनकंफर्मिटी होती है वो एंगुलर अनकंफर्मिटी होती है। अब इसका ये बेसिक समझ लीजिए इसके नीचे नीचे क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे धारवाड़ सुपर ग्रुप। अब धारवाड़ सुपर ग्रुप हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग, जब स्टार्टिंग में इसे पढ़ना चालू किया गया, इसकी स्टडी की गई, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, है ना, बी रामा राव बोल दिया जाए या विलियम स्मिथ बोल दिया जाए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग स्टडी और अलग अलग मत दिए। तो हम देखेंगे कि इसने कैसे कैसे मत दिए, क्या क्या मत दिए, ठीक है। इसमें मिटा दू अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने धारवाड़ सुपर ग्रुप को कैसे कैसे बांटा है, कैसे कैसे स्टडी की। तो सबसे पहले विलियम स्मिथ ने इसकी स्टडी किया, फिर बी रामा राव ने इसकी स्टडी किया गया। तो हम देखेंगे कि विलियम स्मिथ ने किस प्रकार की स्टडी किया, किस किस डिवीजन में दिया, और बी रामा राव ने किस किस डिवीजन में दिया। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे विलियम स्मिथ की, ठीक है। विलियम स्मिथ, अब विलियम स्मिथ ने दिया, तो विलियम स्मिथ कब दिया, तो 1916 में विलियम स्मिथ ने दिया, ठीक है। अब इसने दो डिवीजन डिवाइड किया कि धारवाड़ के दो डिवीजन, एक अपर डिवीजन हो गया, एक लोअर डिवीजन हो गया। तो अपर डिवीजन में क्या दिया उसने, इसको अपर डिवीजन बोला, इसने अपर डिवीजन बोला कि इसकी जो उत्पत्ति हुई इस सेडिमेंटरी रॉक बेसमेंट में हुई, जियोसिंक्लाइन बने, जियोसिंक्लाइन में आके सेडिमेंट भरे, उससे जो उत्पत्ति हुई, तो उससे जो धारवाड़ की उत्पत्ति हुई उसे उसने अपर डिवीजन नाम दिया। जैसे जियो सिंक्लाइन यहां रहता है, इस प्रकार का जियो सिंक्लाइन, यहां सेडिमेंट आगे बढ़ जाते हैं, यहां क्लोरिटिक पाया जाता है, ठीक है, अपर डिवीजन हो गया, ठीक है। अब जस्ट बाद यहां पे इन्होंने लोअर डिवीजन भी दिया। अब इन्होंने तो बता दिया कि अपर डिवीजन की जो उत्पत्ति होती है वो जो ओरिजिन होता है वो सेडिमेंटरी सेडिमेंटरी रॉक बेसमेंट के तहत होता है। अब लोअर डिवीजन का जो इंप्रूवमेंट होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो इग्नियस, इग्नियस के कारण होता है, इग्नियस रॉक, तो ये वॉल्केनिक इग्नियस रॉक के कारण, लोअर का वॉल्केनिक इग्नियस रॉक के कारण हुआ। तो यहां इसका जो है हॉर्न ब्लेंडिंग, जैसे विलियम स्मिथ में इसकी जो ओरिजिन थी सेडिमेंट्री थी, तो उसने अपर डिवीजन को दो भागों में बांटा, एक अपर जिसे विलियम स्मिथ जो अपर डिवीजन था उसी अपर डिवीजन को इसने दो भागों में बांटा, उसने अपर और मिडिल कर दिया, ठीक है। इसमें अपर डिवीजन में ओरिजिन तो पता है कि इसकी सेडिमेंट्री है, पर पाया कैसे जाता है, इसमें पाया जाता है केल्क, सिल्ट, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ये मेन मिनरल्स हैं और ही पाए जाते हैं, क्वार्ट्जाइट ये मेन मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। अब ओरिजिन बहुत बात करेंगे, ओरिजिन क्या है तो हम ओरिजिन भी लिख लेंगे, ओरिजिन इसकी सेडिमेंट्री है, ठीक है। अब
नॉर्मल ही है। अब यहाँ पा जाते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं। अब सेडिमेंट्री आप पढ़े होंगे पेट्रोलॉजी, तो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर ही आपने पढ़ा होगा, तो इसमें यहाँ जो सेडिमेंट्री ओरिजिन है तो यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर ही पाए जाएंगे, हम उसके बाद में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे उसे रेन प्रिंट्स एंड ठीक है। अब अपन पकड़ लेंगे अपर डिवीजन हो गया, अब मिडिल डिवीजन। अब मिडिल डिवीजन में क्या है, तो मिडिल डिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे BHU बेंडेड हेमेटाइट क्वार्ट्जाइट पाया जाता है, जो अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलेडिलम पाया जाता है, बेंडेड हेमेटाइट क्वार्ट्जाइट लाइमस्टोन सिल्ट और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ये मुख्य तौर पे ये बात है। ठीक है, अब ओरिजिन पकड़ेंगे इसकी, इसकी भी जो ओरिजिन है, इसकी जो ओरिजिन है वो भी क्या है, सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, अब सेडिमेंटरी रॉक है तो सेडिमेंटरी रॉक स्ट्रक्चर भी होगा। तो जैसे अपर डिवीजन में रैन प्रिंट्स और सल्फेक्स जो इसके स्ट्रक्चर थे, उसी प्रकार मिडिल डिवीजन में सेडिमेंट रॉक के भी स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर है करंट बेडिंग। हमें यहाँ की मिलता है करंट बेडिंग मिलती है, छोटी छोटी जो चीजें हैं यही एग्जाम में पूछ जाती है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे अनकर्मिटी, ये अनकर्मिटी कॉन्ग्लोमेरेट ओरिजिन से अलग होती है। इसमें जो है इसका कैसा होता है, इसे ओरिजिन कैसा होता है मैं बताऊंगा। एक कंपोजिशन के तहत इसमें जो होता है रायोलाइट टफ, राइट टफ का मेटामॉर्फिज्म होता है, लावा भी रहता थोड़ा सा, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो अपने को मिलता है हार्डनेड ब्लेंड सिस्ट बेसिक लावा से बनता है और कॉर्ड सिस्ट जो है एसिडिक लावा से। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन ये जो बात मैं कर रहा हूँ यही क्वेश्चन जो है, हाँ यही क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं बेसिक से। अब इतना पढ़ लिए जो नॉर्मल ही है, हम देखेंगे कि धारवाड़ हमने पढ़ा तो है, इसमें जो इंट्रूजन भी तो होता है, धारवाड़ जो है धारवाड़ सुपर ग्रुप में है तो यहाँ इग्नियस इंट्रूजन भी तो होता है। जब इग्नियस की बात हुई तो यहाँ इग्नियस इंट्रूजन भी तो होता है, तो हम देखेंगे कि चार पांच भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से वो कौन कौन सी है। ठीक है, मैं इसमें बता दूं तो हमने पढ़ा नॉर्मली कि कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किया। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमें पहले ये भी तो देखना था कि भारत का जो नक्शा है जो मैप है उसमें धारवाड़ की स्थिति क्या है। पहले हम ये देखेंगे धारवाड़ की स्थिति क्या है। यहाँ जो मैं मैप बना रहा हूँ केवल समझाने के तौर पर बना रहा हूँ, थोड़ा सा एक्यूरेट ना बने।
तो यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो धारवाड़ से कब तक चला जाता है? धारवाड़ सुपर ग्रुप के अंदर आता है। अब हमें देखेंगे धारवाड़ सुपर ग्रुप के लिए, तो धारवाड़ सुपर ग्रुप को हमने दो बार में डिवाइड किया है, वेस्टर्न धारवाड़ बेटा और ईस्टर्न धारवाड़ बेटा, ठीक है। और वेस्टर्न धारवाड़ बेटा और ईस्टर्न धारवाड़ बेटा, हम ये भी देखेंगे कि वेस्टर्न धारवाड़ बेटा और ईस्टर्न धारवाड़ बेटा को अलग कौन कौन करता है, अलग कौन कौन करता है? तो ये वेस्टर्न धारवाड़ केटोन है, और ये ईस्टर्न धारवाड़ केटोन है। इसको अलग कौन करता है? इसको जो अलग करता है वो चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग शियर जोन अलग करता है, ठीक है। इसको जो क्या करता है? चित्रदुर्ग शियर जोन, शियर जोन चित्रदुर्ग शियर जोन, शियर जोन इसको अलग करता है चित्रदुर्ग। अब यहीं पे एक जो होती है, एक यहां पे एक लाइन और पाई जाती है, एक सीरीज और पाई जाती है, इसी के पैरलल चित्रदुर्ग सियर जोन के पैरलल ही सीरीज पाई जाती है। एक इग्निस इंट्रूजन होता है, उसको कहते हैं चार्नोकाइट, चार्नोकाइट, ठीक है। चार्नोकाइट के बाद में जो इग्निस इंट्रूजन है इसके बाद में पढ़ेंगे कि चार्नोकाइट होता क्या है, कितने डेप्थ में फैला हुआ, कितनी विड्थ उसकी है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां चार्नोकाइट हो जाता है जो इग्निस इंट्रूजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखेंगे हम, ये तो हम देख लिए वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटोन और ईस्टर्न धारवाड़, ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटोन। पहले हम इसका मैप बना लें कि ये जो है नॉर्मली ये इसकी स्थिति होती है, है ना। तो इसकी स्थिति ये होती है कि इस साइड जो होता है वेस्टर्न हो जाता है, यहाँ ईस्टर्न हो जाता है, ठीक है। इसकी जो वो है ये 3000 समथिंग 3000 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये 150 या 160 किलोमीटर के अराउंड इसकी जो है, ये इसकी यहाँ पे देख ली। अब अभी देखेंगे कि अलग अलग है तो कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होगी इसमें, है ना, वेस्टर्न धारवाड़ केटोन, ईस्टर्न धारवाड़ केटोन। तो हम इसको डिवाइड करेंगे कि है क्या 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 पाया जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो वेस्टर्न धारवाड़ केटोन में अंतर्गत हमें देखेंगे धारवाड़ सिस्ट बेल्ट जो होती है, धारवाड़ सिस्ट बेल्ट, सिस्ट बेल्ट जो है वो हमें वेस्टर्न धारवाड़ केटोन में मिलेगी, और धारवाड़ ग्रीनस्टोन बेल्ट जो है, धारवाड़ ग्रीनस्टोन बेल्ट हमें किसे मिलेगी? ईस्टर्न धारवाड़ केटोन में मिलेगी, है ना। इसका जो एरिया है 3034 समथिंग ऐसा कुछ है, अलग अलग उसमें अलग अलग दिया हुआ है, 3000 किलोमीटर स्क्वायर इसका है, इसका 160 किलोमीटर स्क्वायर। इधर क्या पाया जाता है वेस्टर्न धारवाड़ केटोन में? पेनिनसुलर नीस इधर पाई जाती है, ठीक है, जिसकी एज हमें पता ही है कि 3000 मिलेनियर्स है ना। और ईस्टर्न धारवाड़ केटोन में धारवाड़ बेथोलिथ पाया जाता है, धारवाड़ बेथोलिथ जिसकी एज 2500 से 2100 मिलियन ईयर्स होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि धारवाड़ मेनली हम जो है धारवाड़ केटोन में धारवाड़ सुपर ग्रुप है, वेस्टर्न धारवाड़ केटोन पे ज्यादा फोकस किया जाता है ना। तो हम ये देखेंगे कि हमने देख लिया कि बेसमेंट ये होता है, और हमें ये पूछ लिया कि भाई वेस्टर्न धारवाड़ केटोन का बेसमेंट नीचे क्या होता है और ईस्टर्न धारवाड़ केटोन नीचे क्या होता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग होता है। अब हमारा वेस्टर्न धारवाड़ केटोन ये है, इसके नीचे क्या पाया जाए? इसके नीचे पाया जाएगी सार्गुल सिस्ट, सार्गुल सिस्ट, ठीक है। और ईस्टर्न धारवाड़ जो केटोन है इसके नीचे वारांगल ग्रुप, वारांगल, क्योंकि बहुत कम मात्रा में, और वारांगल ग्रुप एकदम छोटा सा है आप देखेंगे तो, क्योंकि ईस्टर्न धारवाड़ केटोन का जो एरिया है 160 के अराउंड है, ठीक है। अब हम इतना तो पढ़ लिए, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे धारवाड़ में है ग्रीन्स इंट्रूजन जो है जो चार पांच चीजें करती है वो क्या क्या, वो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसे बता लूं, ठीक है। हमने पढ़ा
कि धारवाड़ हमें ऐसे छोटा सा एक नॉर्मल सा मैप लिया है, उसमें हमने धारवाड़ को क्लासिफिकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमें देखेंगे कि हमें वहाँ छोटे से जो पिछला जो मैप था उसमें उतने अच्छे समझ यानी कि क्लियरिटीज दिख नहीं रहा था, हमने सोचा कि एक बार इसको देख बना दे। तो हम मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेस्टर्न धारवाड़ पिटौन और ईस्टर्न धारवाड़ पिटौन को जो डिवाइड करता है उसका नाम क्या है, चित्रदुर्ग सियर जोन, है ना। और पास में चित्रदुर्ग सियर जोन के जस्ट पैरेलल जो होता है वो होता है क्लोजपिट ग्रेनाइट। मैंने पिछले वीडियो में चारों पेट बोल दिया था ये क्लोजपिट ग्रेनाइट है, ठीक है। तो ये क्लोजपिट ग्रेनाइट जो है चांदोगढ़ से जो उनके पैरेलल होता है ना। तो हम ये देखेंगे क्लोजपिट ग्रेनाइट होता क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के चीजें। हम यहाँ पे इग्नियस इंट्रूजन पढ़ने जा रहे हैं कि धारवाड़ पिटौन में जो इग्नियस इंट्रूजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम पहले देखते हैं क्लोजपिट ग्रेनाइट क्या है, क्योंकि पहले क्लोजपिट ग्रेनाइट बात आई है। हमें देखते हैं क्लोजपिट जो ग्रेनाइट है, क्लोजपिट ग्रेनाइट की जो विड्थ चौड़ाई जो होती है इसकी 15 से 25 किलोमीटर 15-25 किलोमीटर स्क्वायर चौड़ाई ना। अब फुल एरिया जो इसका है, जो फुल एरिया इसने कवर करके रखा है वो फुल एरिया जो है समथिंग 500 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्लोजपिट ग्रेनाइट का आगे अब हम देखेंगे कि चैंपियन नीस, हमने सुना होगा चैंपियन नीस जो पहला क्लोजपिट ग्रेनाइट जो इग्नियस इंट्रूजन है, सेकंड है चैंपियन नीस, चैंपियन नीस। क्लोजपिट ग्रेनाइट का दिया हुआ है बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, कर्नाटक में ना, क्योंकि चित्रदुर्ग सियर जोन जस्ट पहले होता है, बस पहले, ठीक है। तो चैंपियन नीस तो ये हमने सुना होगा माइकेशियस नीस, हाँ, तो चैंपियन नीस जो है माइकेशियस नीस का कटा हुआ भाग होता है, सियर होता है, सियर टू माइकेशियस नीस, टू माइकेशियस, हाँ। तो ये जो चैंपियन नीस है सियर टू माइकेशियस नीस है कटा हुआ भाग, ठीक है। अब हम पेनिनसुलर नीस पढ़ेंगे, ये पेनिनसुलर नीस भी इसमें इंट्रूजन करता है, ठीक है। जो इंग्लिश इंक्लूजन होता है, तो ये ग्रेनाइट या नीस का मिक्सचर होता है, मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज में, इसको नहीं है इससे कॉम्प्लेक्स, इसका कंफर्म नहीं देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसको हमें पता है कि ये इग्नियस इंट्रूजन होता है, इतने हम कह रहे श्योर नहीं होगा, गलत बता दूंगा दिक्कत भी हो जाएगी ना, इसलिए मैं श्योर हो जाऊँ इसमें फिर मैं पेनिनसुलर नीस का बता दूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर नीस भी क्या है, इग्नियस इंट्रूजन, ये ग्रेनाइट या ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चार्नोकाइट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। चार्नोकाइट जो होता है कोर्स ग्रेन रॉक होती है, कोर्स यानी बड़े दानों वाली कोर्स ग्रेन रॉक होती है, और इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट, इसमें जो होता है हाइपरस्टीन की मात्रा बहुत ज्यादा तौर पर होती है, रिच इन हाइपरस्टीन, रिच हाइपरस्टीन होता है इसमें, क्योंकि वो समझाने की तौर है कि हम बता सकते हैं कि इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है कि बाबा बुदान, चित्रदुर्ग फॉर्मेशन और रानीगंज। तो इसमें फिर लिथोलॉजी है, जनरल कैटेगरी, जनरल कैरेक्टर है जो आपको याद करना है, ठीक है। तो इसको मेन सक्सेशन रविंद्र कुमार में है, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो वीडियो ही बताएगा।